व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत इकाई 4 अध्याय 6 के अंतर्गत हम नियोजन पढ़ रहे थे। अभी इस अध्याय में हम जानेंगे नियोजन की प्रक्रिया और उसके तत्व क्या है। इसके पूर्व अभी हमने देखा था कि नियोजन क्या है। जैसा कि हमने बताया था, नियोजन जो है भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। जैसा कि हम जानते हैं, भविष्य अनिश्चित होता है। व्यवसाय में लाभ होगा अथवा हानि होगी, व्यवसाय की संचालन की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, आगे व्यवसाय का विकास विस्तार किस प्रकार से होगा, इसके लिए व्यवसाय जो है एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखता है, नियोजन को तैयार करता है। तो किसी भी कार्य को बहुत करने से पूर्व बहुत सोच विचार कर एक योजना तैयार करनी पड़ती है और उससे संबंधित जो भी कार्य हैं उनको हमें पूरा करना होता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है नियोजन की। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने नियोजन का अर्थ क्या है, नियोजन क्या है इसको जाना था, साथ ही नियोजन की विशेषताएं कौन सी थी। जैसे नियोजन क्या थी, बौद्धिक प्रक्रिया है, भावी अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान इसके द्वारा लगाया जाता है, लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हमने देखी थी। फिर नियोजन के हमने उद्देश्य जाने थे, उद्देश्य क्या है, भावी रूपरेखा है, भविष्य में जो हमें करना है उसके संबंध में एक रूपरेखा तैयार करना है, पूर्वानुमान लगाना है कि किस प्रकार के कार्य भविष्य में हमें करना है, साथ ही संसाधनों का जो वितरण है अनुकूलतम वितरण उसको हमें प्रॉपरली मैनेज करना है। तो ये नियोजन के उद्देश्य के अंतर्गत था और इसी प्रकार से हमने नियोजन के महत्व को भी जाना था। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि नियोजन की प्रक्रिया कैसी होती है, उसके तत्व कौन कौन से होते हैं। तो किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के नियोजन में निम्नलिखित हम देखेंगे तत्व या अवयव होते हैं। यहाँ पर है नियोजन के तत्व या नियोजन की प्रक्रिया विधि। जैसा कि हमने बताया, नियोजन न केवल बौद्धिक बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अर्थात ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें कुछ निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। किसी भी व्यवसाय की सफलता प्रभावशाली योजना पर निर्भर करती है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होती है। सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है इसकी, वो होती है लक्ष्य या उद्देश्यों का निर्धारण। तो जब भी हमें कोई योजना तैयार करनी होती है तो उसके पीछे सबसे पहले हमारे सामने लक्ष्य या उद्देश्य होता है। तो लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करना भविष्य की योजना है जो आगामी क्रियाओं को करने के लिए दिशा प्रदान करती है। एक उपक्रम में व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं, सामान्य तौर पर लागत व्यय को कम करना, उत्पादन में वृद्धि करना, साथ ही कर्मचारी व प्रबंधकों में मधुर वातावरण का होना। उपक्रम की प्रगति और विकास से ये चीज़ें संबंधित होती हैं। प्रत्येक योजना जो हम तैयार करते हैं वो किससे जुड़ी होती है, लक्ष्य से जुड़ी होती है। अतः आवश्यक है कि जितनी स्पष्ट उद्देश्य होंगे, जितने स्पष्ट हमारे लक्ष्य होंगे, उनको ध्यान में रखकर योजना भी हमारी उतनी ही स्पष्ट तैयार होगी। तो आवश्यक है कि उद्देश्य स्पष्ट हों, उद्देश्य समयबद्ध हों, अर्थात समय से जुड़े हों कि कितने समय में उस उद्देश्य को पूरा करना है, साथ ही उद्देश्य कैसे हों, वास्तविक हों, काल्पनिक ना हों, साथ ही उद्देश्य परिणाम मूलक हों, अर्थात उद्देश्य जो हमें परिणाम को प्राप्त होने वाले हों, और उद्देश्य पूर्व से निर्धारित हों, लिखित हों व उनका समय समय पर हम आकलन करते रहें, अर्थात जो हमारे लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी हम समय समय पर समीक्षा करते रहें कि उद्देश्य जो है योजना के अनुरूप हमें प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं। तो पहला बिंदु जो है लक्ष्य व उद्देश्य का यहाँ पर निर्धारण। दूसरा बिंदु आता है नीतियों का निर्धारण। एक उपक्रम की नीतियाँ निर्णय निर्देश हैं जो प्रबंध के प्रत्येक स्तर की सहायता के लिए शीर्ष स्तर के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये सामान्य या विशिष्ट हो सकती हैं। ये क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करती हैं, कार्य क्षेत्र के निर्धारण में सहायक होती हैं। अतः नीतियाँ स्पष्ट, लोचशील, व्यवहारिक और सहयोगात्मक होना चाहिए। तो नीतियाँ क्या हैं, एक प्रकार से निर्णय निर्देश हैं जो प्रत्येक स्तर पर प्रबंध की ये सहायता करती हैं। विभिन्न नीतियां जैसे हम बनाते हैं, जैसे संगठन के अनुरूप विभिन्न पदों पर जो हमें भर्ती करना है लोगों की, यदि माल का विक्रय करना है तो माल के विक्रय की नीति क्या होगी, यदि कोई हमें छूट वगैरह देना है,
विक्रय के संबंध में, उत्पादन के संबंध में, विक्रय छूट से संबंध में मैं इस प्रकार से स्पष्ट रूप से तय की जाती है कि उत्पादन के संबंध में कितनी छूट देना है, माल का विक्रय किस प्रकार से किया जाना है, पदों पर भर्ती किस प्रकार से होगी, इस संबंध में नीतियाँ स्पष्ट रूप से पहले तैयार होती हैं। तो नीतियाँ जो हैं वो निर्णय निर्देश हैं जो प्रबंध के प्रत्येक स्तर की सहायता करती हैं। इसके बाद है नियमों का निर्धारण। नीतियों के पश्चात हम नियमों का निर्धारण करते हैं। नियम कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। नियम उन योजनाओं को कहते हैं जो आवश्यक क्रियाओं को संपन्न करने का एक मार्ग बताते हैं। इनका चयन जो है अन्य योजनाओं की भांति विकल्पों में से किया जाता है। तो नियम जो है वो नीतियों के आधार पर यहाँ पर बनाए जाते हैं। नियम जो है नीतियों से अधिक कठोर व दृढ़ तथा अधिक विशिष्ट होते हैं। नियम कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। इसके उपयोग में छूट की कोई संभावना नहीं होती। वास्तव में नियम जो हैं वो अधिक कठोर दृढ़ व अधिक विशिष्ट होते हैं। वास्तव में नियम जो हैं उपक्रम के संचालन के लिए अनुशासनात्मक रूप होते हैं। क्या विकल्प चुना जाए या क्या निर्णय लिया जाए इसका पहले से ही निर्धारण करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो विभिन्न विकल्पों में से योजना के सरलतम रूप का चयन नियम कहलाता है। यहाँ पर नीतियाँ जो हैं वो नियम से भिन्न हैं। नियम क्या हैं? एक अकाट्य निर्णय निर्देश है, इन्हें हम काट नहीं सकते। अर्थात जो नियम बन गए उन्हीं नियमों पर कार्य किया जाता है, इसलिए ये कठोर दृढ़ और विशिष्ट होते हैं। यहाँ पर अब अगला क्रम आता है कार्य विधियों का निर्माण निर्धारण। जब हम यहाँ जो योजना तैयार करते हैं तो उस योजना के अनुरूप जो कार्य हमें पूरा करना है उसकी विधि का हम यहाँ पर निर्धारण करते हैं, जो कहलाती है कार्य विधि। कार्य विधि जो है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का क्या है क्रम है, अर्थात कार्य किस किस प्रकार से किस किस क्रम से किया जाना है, ये इसका एक विधिपूर्ण तरीका है। इसके अंतर्गत उन सभी कार्यों का विस्तृत ब्यौरा व क्रम होता है जिन्हें पूरा करना हो। उदाहरण के लिए जैसे विक्रय विभाग को यदि ये आदेश प्राप्त होता है कि 48 घंटे में ये उत्पादन का कार्य पूरा करना, उत्पादन करके माल को बाजार में भेजने का कार्य पूरा करना है, तो इसके संबंध में आदेश को पूरा करने के लिए एक नीति बनाती है। उसे पूरा करने की कार्य विधि में आदेश प्राप्ति से लेकर ग्राहक को माल भेजने तक के उनके चरणों के क्रम को देना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आदेश प्राप्त होता है आदेश के अनुरूप माल की पैकिंग, माल को भेजने की व्यवस्था, ग्राहक तक माल किस प्रकार से पहुँचेगा, ये जो क्रम है उसको वो पूरा करता है। जिन चरणों में कार्य होगा उनका क्रम ही कार्यविधि का निर्माण करता है, जिससे कार्य क्या होता है सरल हो जाता है। तो कार्यविधि से कार्य की संपन्नता में समानता हो जाती है, निर्णय लेना सरल हो जाता है, कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन भी सरल हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ कर्मचारी पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण और मितव्ययिता संभव हो जाती है। तो यहाँ पर कार्य विधि का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं इसका उल्लेख। इसके पश्चात हमारे सामने विधियों का निर्धारण। तो संगठन के अनुसार कार्य को सर्वश्रेष्ठ ढंग से किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, निष्पादित किया जाए, वो कहलाती है विधि। इसमें संस्था अपने उद्देश्य, उपलब्ध सुविधाओं, समय, धन, प्रयास व कुल व्यय को ध्यान में रखकर किसी कार्य को करने की प्रक्रिया का निर्धारण करती है। विधियाँ क्या होती हैं? सामान्य और बार बार आने वाले कार्य को करने का अनौपचारिक व प्रामाणिक तरीका है, जो प्रतिदिन के कार्य के लिए विस्तृत एवं स्पष्ट मार्गदर्शन करती है। यहाँ पर कार्य का वर्गीकरण अर्थात कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, कार्य को हम किस प्रकार सरल ढंग से कर सकते हैं और उसको प्रभावी तौर पर हम किस प्रकार से क्रियान्वित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में विधि जो है वो कार्य विधि का एक कदम या चरण होती है। तो यहाँ हमने जाना कि विधियों का निर्धारण क्या होता है। इसके बाद अगला क्रम है यहाँ पर कार्य नीति या व्यू रचना।
नीति या व्यूहरचना हमारे सामने है। तो कार्य नीति या व्यूहरचना प्रत्येक योजना कैसी होती है, भविष्य से संबंधित होती है। अतः आवश्यक है कि निर्धारित कार्यक्रम के सभी बिंदुओं पर उचित कार्यनीति बना ली जाए और उस कार्यनीति का पालन किसी विशिष्ट परिस्थिति के समय किया जाए। उदाहरण के लिए यदि बाजार में प्रतियोगिता बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में बाजार में अपनी वस्तु का प्रचार कर बिक्री बढ़ाने का प्रयास कर बाजार में अपना प्रभुत्व कायम किस प्रकार से किया जाए, इस संबंध में कार्यनीति बना ली जाती है। फिर अनुमान से अधिक यदि वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो मांग को पूरा करने में समय का कम होना। अब यदि बाजार में डिमांड किसी वस्तु की ज़्यादा बढ़ गई है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास समय यदि कम है तो इस संबंध में ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार की कार्यनीति को तैयार करेंगे, इस बात को कार्यनीति के अंतर्गत तय किया जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में व्यवसायिक स्थितियां क्या हैं कि अनिश्चित होती हैं, कब कैसी क्या परिस्थिति आ जाए, इस हिसाब से पहले से ही उन नीतियों के लिए उनके संबंध में कार्यनीति तैयार कर ली जाती है। तो आवश्यक है कि व्यूहरचना हमारी कैसी हो, व्यापक हो और एकीकृत हो और साथ ही संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने वाली हो, और व्यूहरचना कैसी हो, विशिष्ट परिस्थितियों के समय उपयोगी व भविष्योन्मुखी हो। तो यहाँ पर कार्यनीति जो है विशिष्ट स्थिति परिस्थिति में हम किस प्रकार की नीति को अडॉप्ट करेंगे, व्यूहरचना कैसे तैयार करेंगे, ये हमें बताता है कार्यनीति या व्यूहरचना। इसके बाद अगला क्रम जो है कार्यक्रम। कार्यक्रम जो है एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रयासों की क्या है, श्रेणी है, जो प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर कार्यक्रम के अंतर्गत हम तय करते हैं कि लक्ष्य या उद्देश्य, कार्यविधि, नियम, निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं, साधनों का उपयोग तथा अन्य तत्व जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक हैं सम्मिलित किए जाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि कार्यक्रम बना लिए जाएं और उसके अनुरूप कार्य किया जाए तो कार्य निश्चित रूप से तथा समय पर पूरा होने की संभावना अधिक होती है। दो प्रकार से कार्यक्रम यहाँ तैयार होते हैं, जैसे अल्पकालिक कार्यक्रम और विशिष्ट दीर्घकालिक कार्यक्रम। यदि अल्पकालिक कार्यक्रम के अंतर्गत यदि त्यौहार सीजन में विक्रय अभियान का विशिष्ट कार्यक्रम अपनाना, यदि कोई त्यौहारी सीजन आ रहा और उत्पादन को अधिक से अधिक मात्रा में किस प्रकार से हमें बाजार में भेजना है, बेचना है, उसके संबंध में एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। फिर वहीं पर दीर्घकालीन कार्यक्रम में उपक्रम के विकास व विस्तार से संबंधित योजना तैयार की जाती है कि एक लंबे समय तक के लिए उपक्रम के विकास और विस्तार के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम विवरण बनाया जाए। वहीं व्यापक कार्यक्रम में आर्थिक दशा सुधारने का कार्यक्रम, और व्यापक बड़ा कार्यक्रम यदि हम बनाते हैं तो व्यापार व्यवसाय की आर्थिक दशा को सुधारने के संबंध में हम क्या प्रयास कर सकते हैं, ये कार्यक्रम के अंतर्गत हम योजना तैयार करते हैं। अगले क्रम में देखेंगे हम, लास्ट अंतिम बिंदु है बजट। बजट बहुत ही एक महत्वपूर्ण अल्पकालीन नियोजन का क्या है, भाग है। दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत ही कुछ अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे विक्रय या उत्पादन का लक्ष्य। इसमें उपयुक्त नीतियों के अंतर्गत कार्यान्वित करने के लिए हम संख्यात्मक रूप से बजट को तैयार करते हैं ताकि संसाधनों की व्यवस्था समय पर की जा सकती है। तो इस प्रकार से बजट का अर्थ है उस विवरण से जिसमें संख्यात्मक रूप से विभिन्न साधनों के उपयोग द्वारा अनुमानित परिणामों का विवरण दिया रहता है। तो इसमें उपक्रम की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए संख्यात्मक रूप से हम बजट तैयार करते हैं ताकि संसाधनों की व्यवस्था समय पर की जा सके। इस प्रकार से बजट से आशय उस विवरण से जिसमें संख्यात्मक रूप से विभिन्न साधनों के उपयोग द्वारा अनुमानित परिणामों का विवरण दिया रहता है। इसके अंतर्गत आय व व्ययों का ब्यौरा दिया रहता है। सामान्य तौर पर बजट को हम आय व्यय के ब्यौरे के रूप में जानते हैं, परंतु कभी कभी इसमें अन्य इकाइयों जैसे मनुष्यों के द्वारा कितने घंटों में कार्य किया जाना है, इसका भी बजट बनता है। फिर मशीन कितने घंटे में कितना उत्पादन करती है, इसका भी बजट बनता है।
तो यहाँ पर बजट जो है आय साथ अन्य इकाइयाँ, मनुष्य के द्वारा एक घंटे में कितना कार्य किया जा रहा है या आठ घंटे में कितना कार्य किया जाएगा इसका बजट, वहीं एक मशीन कितने घंटे में कितना उत्पादन करती है, इन सब का भी बजट तैयार किया जाता है। बजट की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे बजट के द्वारा निकट भविष्य में होने वाले व्ययों को अंकों में व्यक्त किया जाता है। बजट जो है वो व्यय हैं उनको अंकों में व्यक्त किया जाता है। फिर दूसरा है, पूरे संगठन का एक मास्टर बजट होता है तथा प्रत्येक इकाई के लिए एक अलग अलग पृथक बजट भी होता है। तो संपूर्ण इकाई का एक बड़ा मास्टर बजट होता है। इसके बाद संगठन के अंतर्गत जो इकाइयां हैं उनके भी अलग अलग बजट तैयार किए जाते हैं। फिर बजट से प्रमाप या निष्पादन के स्तर का निर्धारण किया जाता है। जो बजट तय किया गया है उसका परिणाम क्या है इस बात के भी स्तर का निर्धारण किया जाता है। फिर इसकी अवधि जो है, देखें हम बजट की अवधि सामान्य तौर पर एक वर्ष की होती है, अर्थात एक वर्ष के लिए सामान्य तौर पर बजट बनाया जाता है, परंतु कभी कभी मासिक या त्रैमासिक बजट भी हम बना सकते हैं, आवश्यकता अनुसार बजट की अवधि को तय कर सकते हैं। फिर बजट नियंत्रण प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। बजट बहुत ही आवश्यक तत्व है, इसके द्वारा ही बजट व्यवसाय पर की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, अपव्यय या मितव्ययिता को रोका जा सकता है। तो बजट जो है नियंत्रण प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर अंत जो है, बजट के द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की तुलना वास्तविक निष्पादन से की जाती है। अब जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे उसके लिए जो बजट क्या तय किया था, जो वास्तविक निष्पादन हमें परिणाम प्राप्त होते हैं हम उसकी तुलना पूर्व निर्धारित लक्ष्य से करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि बजट के माध्यम से जो वास्तविकता हमें प्राप्त हुई है, जो वास्तविक परिणाम प्राप्त हुए हैं उनके लिए बजट उपयुक्त है अथवा नहीं, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये कुछ बजट की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जाना कि नियोजन के जो प्रक्रिया है या नियोजन के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, लक्ष्य या उद्देश्य, नीतियाँ, नियम, कार्यविधि, साथ ही विधियाँ, कार्यनीति व्यूह रचना और कार्यक्रम, और अंतिम बजट जिसका भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया। इसके अलावा कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो अभी हमने अध्ययन किया है। इसमें नियोजन से आशय एवं उसकी परिभाषा, नियोजन की प्रकृति एवं विशेषताओं को समझाइए, नियोजन के उद्देश्य एवं महत्वों को विवेचना कीजिए, साथ ही नियोजन की प्रक्रिया के तत्वों को समझाइए और बजट से क्या आशय है समझाइए एवं उसकी विशेषताओं को समझाइए।